दोस्तों मैंने जो है ना अपने बच्चे वाले पिजन्स को भी जो है ना जिनके एक बच्चा था ना जिनका, उन दोनों को मैंने ना आज अंदर ही रख दिया है। तो अब देखते हैं यार, क्योंकि ये अपने बच्चे को ना सही तरीके से चोगा नहीं दे रहे थे। और ये जो यहाँ पर हमारा कैरेमल है ना, इसका पोटा भी काफ़ी हार्ड हुआ हुआ था। इसका पोटा मैंने अभी वॉश किया है, उसके बाद इसको जो है मैंने ना वो तोते वाली फीड करवा दी है, क्योंकि वो हाई डोज थी इसलिए ना काफ़ी मैंने पतली करके इसको दी है, ताकि इसके ऊपर ना उसका ज़्यादा इफेक्ट भी ना जाए और इसको अपनी जो है ना प्रोटीन वगैरह भी मिल जाए उधर से। और वो वाली पिलाना लाजमी था, क्योंकि इसका पोटा बिल्कुल खाली था और अब ये कमज़ोर भी काफ़ी हुआ हुआ है, तो उस फीड से ही अब इसने बेहतरी की तरफ आना है, वैसे नहीं आना। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज से दोस्तों एक साल पहले सेम टू सेम हमारा जो टिंकू था ना, वो भी इसी तरीके से था। उसके जो मदर फादर हैं यानी कि हमारी जो डव्स हैं, उसको चोगा जो है ना बिल्कुल भी नहीं दे रही थी, तो उसको भी हमने इसी तरीके से निकाला था मैंने, और उसको जो है ना सीरीलैक से बड़ा किया था। इंशाल्लाह ताला कैरेमल को भी जो है ना बड़ा कर लेंगे, ठीक है? टेंशन तुमने बिल्कुल भी नहीं लेनी, तुम थोड़े दिनों तक ठीक हो जाओगे और बड़े भी हो जाओगे, ठीक है? इसको हम ना ऐसा करते हैं कि एज में रख देते हैं, सीरीलैक के ऊपर ही जो है ना इसको करते हैं। आज ये देना थोड़ा सा ज़रूरी था, क्योंकि इसका पोटा बिल्कुल खाली है। चलो तो इंशाल्लाह ताला ये ना बेहतरी की तरफ आ जाएगा। इसको ना किसी केज के अंदर हम ना रख देते हैं, अंदर अपने मास्टर केज के अंदर से केज ले लेते हैं, उसके अंदर हम अपने जो है कैरेमल को रख देंगे। क्या हुआ? गिरने लगा था ये, मैंने देखा। ध्यान से इसको मैं केज लेके आता हूँ, हम अपने ना कैरेमल को ना अंदर ही रख देते हैं केज के। ऐसे कौन सा लें? बल्कि यही वाला ले लेते हैं, ये वाला कोको वाला, क्योंकि कोको को तो हम अपने रखना नहीं। तो यहाँ पर मैंने रख दिया है, साथ ही इनके इसके जो है ना माँ बाप भी है, ताकि जो है ना इसका दिल लगा रहे, ये बिल्कुल सैड ना हो। तो इसको जो है ना हम यहाँ पर अलग रख देंगे, और इंशाल्लाह ताला आज से जो है इसको जो है ना हम फीडिंग अपने हैंड से ही करवाया करेंगे। बाकी यहाँ पर इनको पानी भी डला हुआ, दाना भी डला हुआ है, फिलहाल बाहर चलते हैं। नहीं ले गए ऊपर छोटे? कौन से? वो नीचे हैं यार, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। बड़े परिंदे तो दोस्तों जिस तरह के हमारे पिजन्स, बाकी परिंदे सारे जो है ना कर लेते हैं सरवाइव, लेकिन बजीज जो है ना मुझे लग रहा है अब नहीं कर पा रहे। कूलर कब तक यार आ रहा है जो ऑर्डर दिया हुआ है? कूलर बना ही नहीं रहा सही। बेसिक हमारा मकसद है ना, वो कूलर हमने इसलिए ऑर्डर पे बनाने के लिए दिया है कि हमें चाहिए सोलर के ऊपर भी हम बाद में इसको डायरेक्ट लगा सकें। ठीक है, हमने इस तरह थोड़ी लेना है, दूसरा एसी डीसी अगर ले लेंगे वो मसला करेगा। हाँ ये है, इसलिए थोड़ी सी देर लग रही है। तो उन भाई को भी कह रहे हैं कि यार जल्दी बना दो, हमारे परिंदे जो है ना काफ़ी परेशान हुए हैं गर्मी की वजह से। तो बाकी परिंदे तो सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन जो चूजे थे ना वो नहीं कर पा रहे थे, उनको जो है ना मैं रात में नीचे ले गया था, और अब वो नीचे हैं। इंशाल्लाह ताला दिखाने हुए तो दिखा देंगे हम। आ जाओ भाई, बल्कि ना आज एक और काम करना है, हम अपने परिंदों को, सब परिंदों को पानी तो पिला देते हैं, दाना भी दे देते हैं, लेकिन जो बाहर परिंदे हैं वो बेचारे प्यासे रहते हैं। हालांकि एक बर्तन यहाँ पर मैंने रखा हुआ है, लेकिन इस बर्तन के अंदर पानी डाल देता हूँ मैं, लेकिन ये सूख जाता है। सूख को छोड़ो, बहुत गर्म पानी आता है यहाँ, बहुत गर्म भी होता है। बाकी अपने ना मास्टर केज की छत के ऊपर ऐसा करते हैं, हम ना कोई पूरा एक बर्ड्स की रेस्ट प्लेस बना देते हैं, उस जगह पर ठीक रहेगा। ये बिल्कुल इसके साथ साथ बनाता है, ताकि यहाँ पर छाँव भी रहे, छाँव भी रहे और पानी हमारा गर्म भी ना हो। हाँ इसके अंदर पानी सूख गया हुआ है, ये देखो यार। चलो इसके अंदर तो ला के डाल दो, थोड़ा सा इसके अंदर डाल देते हैं। बाकी भाई कह रहे हैं उस जगह पर जो है ना हम एक पूरा का पूरा जो है ना परिंदों का निज़ाम लगा देंगे, सारे बर्तन लगा देंगे यहाँ पर, पानी वाले, दाने वाले, और जंगली परिंदे जो है ना यहाँ से आके अपना सुकून से दाना पानी ना कर लिया करेंगे। तो हमारे पास इतने बर्तन तो पड़े नहीं हुए, जल्दी से चलते हैं बर्ड्स मार्केट, वहाँ से जाकर सारे बर्तन लेके आते हैं, और बर्तनों को हम ना उस जगह पर रखते हैं यार, पहले भरते ऐसे फुल भर देते हैं। और ये पानी भी इतना गर्म नहीं है, सही है, नॉर्मल ही है, और परिंदे जो है ना यहाँ से सुकून से पानी पी लेंगे। तो अभी जल्दी से जाके ना हम बर्तन भी ले आते हैं, और अपने परिंदों की भी थोड़ी बहुत हमने चीज़ें लेके आनी है वो भी ले आते हैं, और सारा जो है ना काम कर लेते हैं जल्दी से। अब से दोस्तों जाना तो हमने मार्केट था, लेकिन हमने सोचा कि यार एकदम मट्टी भरी शॉप से मट्टी के बर्तन लेने थे ना, तो यहाँ से जो है ना हमने, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये 10 बर्तन ये वाले लिए हैं, 10 बर्तन ये वाले लिए हैं, इसमें पानी रख देंगे और दूसरी वाली में दाना रख देंगे, ठीक है? सही होगा, और तो कोई बर्तन नहीं ना लेना यार, और वैसे तो पड़े परिंदों के लिए ले लेना। ये वाला ये, और तो कोई नहीं है, ये वाले तो पहले ही हैं घर पे, उसमें और टाइप का लेते हैं, यानी कि कोई नया बर्तन लेते हैं यार, वही फिर ले लेते हैं, बड़े वाले ले लेते हैं फिर, वही मुर्गियों के लिए जो हमारे बाहर लेने हैं। सही हो गया। इसका भी दोस्तों हमने पूछा था, लेकिन कह रहे हैं अंकल के ना इसके अंदर जो चिड़ियाँ हैं ना वो सही तरीके से ना दाना खा पाती हैं ना पानी पी पाती हैं,
तो इसीलिए इसको हमने पोस्टपोन कर दिया और अब जो है ना हम 10-10 ये वाले ले रहे हैं, इनको जल्दी से लेते हैं और उसके बाद घर जाके जो है ना जल्दी से इनको चिड़ियों के लिए मास्टर गेज की छत के ऊपर ही रख देंगे। पेंट किसने लेना है? पेंट भी तो पेंट रहने देते हैं यार, पेंट से मेरे एकदम जहन में आया है कि अगर हम उसके ऊपर पेंट कर देंगे तो परिंदों को कोई बीमारी वगैरह ना लग जाए, क्योंकि उसमें पेट्रोल डाल के हमने पेंट करना है ना। ये सही है ना, इसकी बर्तन स्मेल भी आती रहेगी। बाकी जल्दी से यहाँ से बर्तन पकड़ते हैं, उसके बाद घर जाके पानी दाना डाल के ऊपर रख देंगे सारे बर्तन। दोस्तों यहाँ पर जो है ना हमारे आ चुके हैं ये 10 छोटे वाले बर्तन हैं, और यहाँ पर जो है ना ये सारी की सारी 12 टोटल कनालियाँ ली। तो मैंने 10 थी, लेकिन अंकल ने कहा कि यार आपने चिड़ियों को डाल ली हैं तो आप जो है ना 2 वैसे ही ले ले, मेरी तरफ से भी आप जो है ना ऊपर रख देना, ठीक है ना। अभी जो है ना हम इन कनालियों को अच्छे तरीके से सबसे पहले ना वॉश करते हैं, उसके बाद इसके अंदर हम पानी भर के ना ऊपर रख देते हैं, और जो दाने वाली कनाली है ना इनको फ़िलहाल अभी हम ना नीचे रहने देते हैं, क्योंकि भाई फ़िलहाल दाना लेने गए हैं। जैसे ही दाना आता है दाने को इनसे भी भर देंगे और अपने सब परिंदों को भी जो है ना एक और मरतबा दाना डाल देंगे। तो दोस्तों मैंने अपने ना अयान सिमानी के चूज़े को खोल दिया है, ये भी हमारे पास ही है, इसका जो एक पार्टनर था उसका तो मैंने आप लोगों को ना बता दिया था। बाकी यहाँ पर अंदर जो है ना डक को मैंने फ़िलहाल ना खुला छोड़ दिया, क्योंकि हमारी जो डक है ना पता नहीं क्यों अकेले में काफ़ी शोर मचा रही है, मैंने सोचा कि बाकियों के साथ रहेगी ना थोड़ा बहुत ना ये खुश हो जाएगी और हैप्पी हो जाएगी। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6 तकरीबन 5 जो कनाली है ना वो मैंने पानी की रख दी हैं, और एक जो कनाली है ना यहाँ पर मैंने ये देखें इस तरह शोर मचा रही है, एक कनाली दोस्तों मैंने जो है ना दाने की रख दी है, और बाकी की जो हमारी सारी कनाली हैं वो हमारे मास्टर गेट की छत के ऊपर हैं, और बर्तन भी फिलहाल नीचे हैं ये भी ऊपर ही चढ़ाने हैं। तो पानी सबसे पहले पकड़ते हैं और ऊपर वाली ना सारे बर्तनों में ना ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर रख दिए हैं, इन सब में जो है ना अभी पानी भरते हैं ऊपर चढ़ के, इसको ऐसे रख देते हैं और अभी जल्दी से ना ऊपर चढ़ते हैं। दोस्तों तकरीबन ना 7 बर्तन हैं, और इनमें से तकरीबन 3 बर्तनों में ना इस पूरी बोतल है ना पानी भरा है, और अभी जल्दी से जो है दोबारा से नीचे से पानी लेकर आते हैं। यार माशाल्लाह से सब बजीज हमारे नीचे आकर जो है ना चारा खा रहे हैं, और आज जो है ना जल्दी से मैं चारा भी ले आया हूँ, ये देखें माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं। बाकी चारा यहाँ पर हमारे पास ना काफ़ी पड़ा हुआ है, नीचे रैबिट्स को भी मैंने देख सकते हैं आप लोग चारा डाल दिए, लेकिन रैबिट्स खा क्यों नहीं रहे, ये देखें चारा वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत खाया है और दोबारा पीछे चले गए हैं। इनको पानी भी रख देता हूँ अभी मैं, अभी अभी इनका जो है ना मैंने पानी इसको डाला है, और ये तब का इसलिए खुला हुआ है क्योंकि तब हमारे पास ना दाना नहीं था, तो अब इसको मैंने ला के दाना भी डाल दिया, और अब जो है ना सारे परिंदों को दाना भी डाल देते हैं, और ऊपर बर्तन रखे हैं, सीढ़ी भी लगा दी है मैंने ऊपर, इतना शोर मचा रही है यार ये ऊपर। दोस्तों मैंने फिर लाल सीढ़ी लगा दी है, ऊपर जाकर जो है ना अपने मास्टर गेज की छत पे सब बर्तनों में पानी भर देते हैं और दाना भी लगा देते हैं। तो दाने वाली बर्तनों को भी जो है ना मैंने खोल के यहाँ पर रख दिया, और जल्दी से अपना दाना डालना भी ना स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा सब में ना डाल देते हैं ताकि जितनी भी चिड़ियाँ हैं उनको बराबर का जो है ना सारा दाना ले लें जी। ये तो इतने में ख़त्म हो गई है, 4 बर्तन यहाँ पर जो है ना हमारे भर गए हैं, बाकियों के लिए भी दाना लेकर आते हैं अभी। इस तो यार मैंने सोचे नहीं, क्योंकि ना दाना और पानी लाने में ना सबसे नीचे से ऊपर, नीचे हमारी फ़िलहाल मुर्गियां भी खुली हुई हैं, नीचे से ऊपर दाना और पानी लाने में ना काफ़ी मुश्किल हो रही है। सब बर्तन थोड़े थोड़े मैंने भर दिए थे, अभी थोड़ा थोड़ा इनको ना और भर देते हैं हम, ऐसे 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 और ऐसे। चले जी सारे बर्तन जो है ना बराबर के भर गए हैं, अभी ना पानी भी डाल देते हैं। दोस्तों सारे बर्तनों को जो है ना इसके अंदर मैंने दाना भी डाल दिया, पानी भी जो है ना भर दिया, और अब जो है ना सारे सेट हो गए हैं। उम्मीद है कि यहाँ पर जो है ना जंगली चिड़ियाँ आसपास से आया करेंगी और यहाँ से अपना दाना और पानी ना कर लिया करेंगी। हाँ भाई क्या हुआ है, तुम खुद नहीं आए? मैंने क्या नहीं बुलाया, भी आ जाओ यहाँ से। मेरी बन्नी कहाँ है, तुम्हारी नहीं है? मास्टर गेज की बनी है, ना मेरी है ना तुम्हारी है। क्या? ये मास्टर गेज की है, ना मेरी है ना तुम्हारी है, ठीक है। इसको भी दोस्तों रिपेयर करना है। बाकी यार वो मुर्गियाँ किधर गई हैं? मुर्गियों को जाके यार तुम हैंडल करो, वो नहीं तो ना अंदर जाके ना लड़ना स्टार्ट हो जाती हैं अगर उनको देखो ना ना। बाकी यहाँ पर सारे बर्तन फैल चुके हैं, सीढ़ी भी मैंने ना थंबनेल के लिए यहाँ पर रखी हुई है, और पीछे ट्राईपॉड पता नहीं क्या सीन बना हुआ है। अभी जल्दी से जो है ना नीचे चलते हैं,
और बाकी परिंदों को जाकर देखते हैं आज की वीडियो के लिए। यार देखें आप लोगों के सामने काफ़ी मेहनत लगी है, लाइक का बटन लाजमी से यार दबा दिया कि नहीं, इतनी मेहनत के लिए पहले हम गए हैं, बहुत मेहनत लगी है। बाकी छोड़ दें आप, बस आप लोग लाइक का बटन लाजमी से दबा दें। नीचे भी परिंदे खुल रहे हैं, सब परिंदों को दाना पानी देंगे और हम जो है ना फाइनली फ्री होकर नीचे चले जाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा व्लॉग, मिलेंगे चैनल को देखने व्लॉग के साथ। अब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।